ये बोली बोल, यदि पंचर हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसके लिए मेरे पास में एक उपाय है और मैं सबसे पहले इस पोल को, यदि ये पंचर नहीं भी है तो हम इसको पंचर कर देते हैं, यानी ये वाली जो खील है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने ये खील डाल दी है। अब ये खील वापस निकाली और फिर से इसको डालता हूँ इसके अंदर, वॉलीबॉल में ये खील डाली। अब इसके बाद में मैं यहाँ से एक छेद और करता हूँ और उसके लिए एक ये ड्रिप और ये जो ग्लू है, ये वाला जो ग्लू है मैं ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप मंगवा सकते हैं, तो मैं इस ग्लू को तो यहीं रखता हूँ। सबसे पहले ये वाली जो ड्रिप है ये इसके अंदर डाल देता हूँ। अब ये इसके अंदर गई। अब यहाँ से डालना है अपन को ग्लू। ये जो ग्लू है ये ग्लू इतना कारगर होता है कि हमारी जो वॉलीबॉल पंचर हो जाती है और यदि इस ग्लू को डाल दिया जाए तो बॉल जहाँ से भी पंचर होगी वहाँ से हवा निकलना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमने आपके सामने ये पंचर किए और इस ये ड्रिप भी इसके अंदर डाली, यानी कितना मोटा पंचर किया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से पहले ये वाली बोतल का ढक्कन कस के और फिर ग्लू डालता हूँ। अब यहाँ से ये ग्लू आया, देखो अब ये मैंने इसके अंदर ग्लू डाला, देखो कितनी स्पीड से जा रहा है। अब इसमें 50 ग्राम ग्लू ही काफी होगा, बस इसको छोड़ देते हैं और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि जो ग्लू है वो पूरी अपनी जगह या सभी जगह पहुंच जाए, जहां से वॉलीबॉल पंचर होगी वहां ये जाके ग्लू और उसको उस पंचर को पूरी तरीके से बंद कर देगा। तो चलिए अब भरते इसमें हवा, क्योंकि हमने इसके अंदर ग्लू भी डाल दिया और उसको आपके सामने पंचर भी किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके अंदर हवा डाल देता हूँ। अब यहाँ से हवा हल्की सी निकल रही है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये। अब जैसे जैसे इसमें हवा और तेज होगी इसका हवा निकलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ये जैसे ग्लू पे ऑक्सीजन लगेगी ये ग्लू यहाँ सूखना चालू कर देगा। तो हवा हो गई है फुल और अब मैं इसको थोड़ा सा दबा देता हूँ। अब यहाँ पे हम ग्लू को कर देते हैं पूरा और जैसे ग्लू इस पे आएगा तो हवा जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और इसके बाद में आप कहीं भी इसमें काटर डालो या कुछ भी करो या खील खुद उछेड़ दो, आप ये बॉल पंचर नहीं होगी। तो अब फिलहाल मैं इस बॉल को पानी में डाल के दिखा देता हूँ आपको कि ये यहाँ से हवा निकल रही है या नहीं निकल रही है। अभी यहाँ से हवा निकल रही थी और यहाँ से पूरा पूरी तरीके से बंद हो गया और मैंने इसमें डाला था खील अभी और एक वो जो ड्रिप थी वो भी डाली थी, तो यहाँ से ये सब कुछ बंद हो गया। अब देखते हैं इसको पानी में डाल के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें हवा से बिल्कुल भी हवा नहीं निकल रही है। अब मैं इसको पानी में भी डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे से, तो आप देख सकते हैं कि कितने कमाल की चीज़ है ये चीज़ कि हमारी जो वॉलीबॉल है उसमें से कहीं से भी हवा नहीं निकल रही है, मतलब पूरी तरीके से बंद हो गई है। अब ये बॉल हमेशा जब भी पंचर होगी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी, इसको जुड़वाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सबसे बेस्ट चीज़ वो ग्लू मंगवाएं और अपनी वॉलीबॉल में डालें और अपनी गाड़ियों में डालें, तो हमेशा के लिए आपकी जो गाड़ियाँ और जो वॉलीबॉल पंचर होती है वो हमेशा की टेंशन खत्म होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाल के साथ में, तब तक के लिए बाय।